एक नकीब उल्ला महसूद का कातिल राव अनवार तो हमें पता है, लेकिन वो जो शख्स बाहर बैठा है जिसका नाम परवेज मुशर्रफ है, वो हजारों कबाइलियों का कातिल है। उसको भी पाकिस्तान वापस लाओ, उसको भी अदालतों में पेश करो। और राव अनवार अगर इस वक्त इस्लामाबाद में है तो इस वक्त की जो हुकूमत है, जो अपनी बेबसी का रोना रोती है, अगर राव अनवार इस्लामाबाद में है तो इस हुकूमत के जो वजीर हैं, मगर मच्छ के आंसू ना बहाए, हमें और आपको बता दे कि राव अनवार कहाँ पे है, हम उसको पकड़ के लाएंगे। लेकिन तुम्हारी ये खामोशी कबूल नहीं है। पाकिस्तान के आवाम के साथ डबल गेम मत करो। अगर तुम्हें पता है कि राव अनवार कहाँ पे है तो हमें बता दो, हम उसको खुद पकड़ के लाएंगे। लेकिन अगर राव अनवार गिरफ्तार नहीं होगा तो इस मुल्क के कानून का तमाशा बनेगा, इस मुल्क के आईन का तमाशा बनेगा। अगर इस मुल्क के आईन और कानून का तमाशा बनेगा तो पाकिस्तान का तमाशा बनेगा। अगर पाकिस्तान का तमाशा बनेगा तो पाकिस्तान की सलामती के लिए वो हजारों शहीद जिन्होंने अपनी जानें कुर्बान की, उनकी कुर्बानियां रायगा जाएंगी। लेकिन हम अपने शहीदों के लहू को रायगा नहीं जाने देंगे। और ये जो आज यहाँ पे धरना है, ये पाकिस्तान की सलामती के लिए धरना है। ये नकीबुल्ला महसूद के कातिलों की गिरफ्तारी का धरना नहीं है। ये पाकिस्तान के आईन और कानून को पामाल करने वालों, पाकिस्तान के आईन और कानून को बर्बाद करने वालों, आईन और कानून को कत्ल करने वालों की गिरफ्तारी का धरना है। ये राव अनवार की गिरफ्तारी का धरना नहीं, ये आईन और कानून के कातिलों की गिरफ्तारी का धरना है। इसलिए हुक्मरान सुन ले कि ये मत समझो कि ये लोग दो तीन दिन यहाँ इकट्ठे होंगे फिर वापस चले जाएंगे। अगर आपने इनका मुतालबा तस्लीम ना किया तो ये पाकिस्तान के हर शहर में फैल जाएंगे, हर शहर में धरना होगा, हर जगह पे ये नारा होगा, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा, जीना होगा मरना होगा, धरना होगा धरना होगा। ये पाकिस्तान के मजलूमों की आवाज है, इस आवाज को सुन लो, वरना पाकिस्तान के मजलूम अगर खड़े हो गए तो फिर ये हुक्मरान अपनी इज्जतें बचा के बाहर भागेंगे, पाकिस्तान में इनके लिए जगह नहीं रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।